आज का जो उन्वान है वो फिर मार्फत इलाही है, क्योंकि मेरे खुदा ने जो आदम से लेके इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, ईसा, मोहम्मद, जो सबका खुदा था, उसने मुझे ये प्यार से ये बात और ये राज बताया है कि जू जू इंसानियत खुदा के वो जानती जाएगी, मुशाहिदात होते जाएंगे, दुनिया की रुत बदल जाएगी और बुराई का अंधेरा दूर हो जाएगा जब खुदा की मोहब्बत का सूरज तुलू होगा। जिस दुनिया में हम रहते हैं, कुरान भी बताता है, दूसरी इल्हामी किताबें भी, कि आज वो ही उनका आका बना बैठा है और वो उसके पीछे जा रहे हैं। यहां आका से मुराद ये ली जाएगी जो अबलीस की आते थी जब वो खुदा को छोड़ बैठा, वो ही आते हमें आ गई हैं। तकब्बर, घमंड, अपनी मैं में आया और मैं में गया, मैं विच दिता ते मैं विच लिता। तो जब ये मैं जो है अपने लिए खड़ी हो जाती है, तो फिर सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, खुद गर्जी की, जमीर की रोशनी जो है उसमें अंधेरा आ जाता है और दिल की खिड़कियां जो है वो मार्फत इलाही की तरफ जो खुलती हैं वो बंद हो जाती हैं। फिर इंसान बेशौरी जिंदगी गुजारता है, बल्कि जानवरों के कान काटता है, यानी उन्हें तो जैसा बनाया है वो उसी असूल के तहत जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इसे शऊर दिया गया है। फिर ये बेशऊर हो जाता है और इसके दिमाग में जो फिर वसवसे उठते हैं अपनी ख्वाहिशात के, जैसा अबलीस ने चाहा था कि मैं खुदा की जरूरत खत्म कर दूंगा, मैं साइंस जो जाहिरी और रूहानी है उसको दरियाफत कर लूंगा और मैं अपना तख्त यानी अपनी पावर खुदा से भी ऊपर कायम करूंगा। ये ख्वाहिश कि मैं शहंशाह बन जाऊं, मखलूकात पर मेरा सिक्का चले और मैं डिक्टेटर बन जाऊं, मैं ताकत हासिल कर लूं, पावर, और फिर पावर के घमंड में
इंसान बह चला जाता है, हत्ता के ब्लैक होल में जा गिरता है, जो अंधेरे हैं। यही वो चीज थी जिसने अबलीस को शैतान बनाया। जिन्नात की दुनिया गिरी, बहुत से फरिश्ते गिरे, लेकिन क्या उन्होंने खुदा की जात को कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं, उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। What is a gain and good for man, mankind, if they gain the whole world and lose their soul? इंसान के क्या काम आएगा कि वो सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी रूह का नुकसान कर ले? उन्होंने अपनी रूह में काले अंधेरे भर लिए, क्योंकि नूर जो है वो जब तक कायम है, जब तक रूह जो है खुदा के नूर की रोशनी में सफर कर रही है। खुदा की जात में जो आसमानी बाप भी है, उसे हर मजहब में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, लेकिन वो है एक गॉड। जब वो अंधेरों से नूर में आया, तो मेरे खुदा सच्चे वालदैन ने मुझसे कहा, ऐ जाहिद, उस वक्त कुछ तखलीक नहीं हुआ था, सिर्फ मुर्दा मादा था जब खुदा शऊर में आया। और शऊर और लाशऊरी, ये दो मुकाम हैं। और जहां से उसका पहला मुकदमा शुरू होता है, वो मादा ये नहीं है, वो असल मादा था जहां से जिंदगी शुरू होती है, लेकिन उस जिंदगी में तरतीब नहीं थी। वो मुंतशिर था, और उस मादे में वो जर्रे भी थे जो औरत और आदमी के मिलन से होते हैं, नई जिंदगी शुरू होती है, नई जिंदगी शुरू होती है। इसलिए खुदा को पहला मुकदमा कहा जाता है। तो वो जो जिंदगी शुरू हुई, वो थी तो मैकेनिकल, लेकिन बाद में मैकेनिकल रही नहीं। जैसा बच्चा लाशौरी होता है, नौ माह मां के पेट में रहता है, पैदा होके भी लाशौरी होता है, एक वक्त लगता है जब उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल को वो देखता है। फर्क इतना है कि खुदा की लाशऊरी और शऊर में ना इब्तदा है ना इंतहा है, बस वो एक था। और ये मुर्दा मादा था, और तखलीक कुछ नहीं हुआ था।
शऊर में आने के बाद उसने कितना वक्त लगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जूं जूं खुदा की मार्फत को हम नूर में तरक्की करते जाएंगे, खुदा का सफर हम पे और मजीद इंकशाफात करता जाएगा। ये एक सफर है, ये एक माजी का सफर है जहां से हम सीखेंगे कि अल्लाह के साथ जब वो अकेली थी तो क्या थी। बस उसकी बुनियाद जो है अब हम यहां रख रहे हैं। तो खुदा ने वादा किया था कि मैं जब तखलीकात करूं और मखलूकात पैदा करूं तो अपने नूर को मुखातिब होके कहा था कि तू जब तक वहां रहना, जब तक कि कोई रूह नूर में सफर करना चाहे, जब वो नूर से हटकर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। ख्वाहिशात की पैरवी से मुराद ये कि उसे आजादी दी गई है रूह को, दिमाग की, शऊर की, जमीर की, दिल की, रूह की। तो खुदा की जात ने कहा फिर तू ए नूर वहां से निकल आना। इसलिए जब खुदा की जात अंधेरों से बाहर निकली तो अंधेरे दूर होना शुरू हुए। तो अंधेरे वहां पर है जहां पे नूर नहीं है। अब हम आदम का वाक्या लेते हैं। खुदा ने उसकी रहनुमाई की, उसे जिंदगी नूर की राहें बताई कि यहां कामयाबी है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ दुआ की तरफ। लेकिन खुदा की जात ने मुझसे कहा ये जो मजहबी हैं मुसलमान, ये ईसाई, ये यहूदी, ये मसीह, ये उसको भुला चुके हैं जिसकी ये इबादत करते हैं। यानी कि ये जाहिरतन तो वो इबादत करते हैं, कोई मजहब हो, लेकिन अल्लाह की जात कह रही है ये जिसकी इबादत करते हैं उसको तो भुला चुके हैं। इनके दिल में अपनी औलादों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने चाचा मामाओं के लिए बड़ी जगह है। इनके दिल में झूठी मोहब्बतें बड़ी बड़ी हैं। लेकिन जो पहली मोहब्बत खुदा से होनी चाहिए थी और उसके वसीले से बाकी मोहब्बतें होती, वो नहीं है। इसलिए इनसे ना पहली मोहब्बत मांगी जा सकती है ना आखिरी मोहब्बत, क्योंकि ये हरजाई बन गए। मेरा जो सफर है खुदा के साथ जन्नतों में, वादे ये जो इंसान खुदा को छोड़ बैठा है, वो कहता है वादे झूठे, प्यार भी झूठा, झूठे सारे सपने,
मैं कहता हूँ नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तूने बात जब कही जब तू शैतान के अंधेरों में रहता है। वादे सच्चे प्यार भी सच्चा और सच्चे सब उसके वादे हैं। अगर तू हरजाई बन गया, तूने पेट दिखा दी पीठ, तो तूने खुदा का क्या बिगाड़ा? वो और लोग ले आएगा, वो तुझसे बेहतर कहने वाले होंगे, बेहतर सुनने वाले होंगे और खुदा उनकी पहली मोहब्बत होगी। ये अपने कुरान को भी नहीं पढ़ते। इनकी जाहिलियत ये है कि ये वो गधे हैं जिन्होंने अपने कुरान को ऊपर लात दी है। अब एक खोते के ऊपर आप किताबें लाते हैं, चाहे सारी किताबें लाते हैं, उस खोते को क्या खबर? अगर ये कुरान का मुतायला मुशायदा ही कर लेते तो इनकी दुनिया कम से कम 30% तो सवर गई होती। क्योंकि कुरान ही कहता है وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو خدا کے نور میں ہے، مثال تشریح کر رہا ہوں، جو خدا کے ہیں وہ خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جو خدا والے نہیں ہیں उनके दिलों में और बुत हैं ख्वाहिशात के, जो उन्हें खुदा से नहीं मिलने देते, जो अल्लाह का इंकार कर देते हैं। वो ना उनकी पहली मोहब्बत खुदा की होती है ना आखिरी मोहब्बत। आखिरी से मुराद ये है जहां जहां हम बसेंगे, जिन जिन जहानों में हम बसेंगे, हमारी मोहब्बत हमेशा और हमेशा हर जमानों में सबसे पहले खुदा के साथ होगी। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ये हमेशा बाइबल का हवाला देना पड़ता है, पुराने अहदनामे का, कुरान का, भगवत गीता का, कि पहले इन खुतों को इनकी किताबें समझाकर गधों को कोशिश है कि इंसान बनाया जाए। क्योंकि किताब लाद के भी ये आदमियत इनमें भरी पड़ी है। तो मेरे जो बाप है आसमानों पर, मैंने उसको उस जैसा कोई मोहब्बत करने वाला ही नहीं देखा। फरिश्ते भी देखे, जिन्नात भी देखे, गोल्डन रूहे भी देखी, कंच ब्लू नूर भी देखे रूहे, और मखलूकात देखी, लेकिन उसके जैसा नहीं देखा। There's a somewhere new world. It's called the promised land. And I'm gonna be there someday. If you hold my hand, I want you there beside me, no matter what I do. For I know I never find another like you. Jin jahanon mein bhi honge, jahan bhi honge, उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। और जब वो जिंदगी और मोहब्बत किसी रूह का हिस्सा बन जाए,
तो उस पे ये राज आश्कार होगा कि जहानों में खाना बदोश जिंदगी गुजारने के बाद जन्नतों में फेरे लगाने के बाद उस जैसा कोई नहीं मिला। ये बात मैं तजर्बे के साथ कह रहा हूं, ये बात मैं रूहानी सफर के मुशाहिदे के बाद कह रहा हूं, ये बात मैं वहां से बयान कर रहा हूं जहां फरिश्तों का भी हद खत्म हो जाती है, हद आ जाती है, सॉरी, वो भी नहीं जा सकते आगे।